कुमार सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद वाराणसी क्षेत्र। धरना की प्रमुख मांगे हैं, प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों में केवल हम लोगों को 7% राष्ट्रीयकृत मार्ग मिले हैं, 93% पर प्राइवेट बसें संचालित होती हैं। उस 7% में भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निजी बसों को परमिट देने का काम किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह कार्यक्रम चल रहा है। ये अपने बनारस जनपद के प्रापर के जितने भी डिपो हैं, इनको एक जगह इकट्ठा करके धरने का कार्यक्रम हो रहा है, ताकि मुख्यमंत्री जी तक यह संदेश जाए। जगह जगह विरोध हो रही है, मांगे पूरी हुई। अब मांगे अभी पूरी नहीं हुई, अगर मांगे पूरी होती तो यह कार्यक्रम होता नहीं, और जब तक पूरा नहीं होगा यह कार्यक्रम। मैं कैन डिपो का शाखा अध्यक्ष हूँ, रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद विभूति नारायण सिंह। हमारी मांग है प्राइवेट बसों को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिया जाए परमिट, उसको हटाया जाए, और जैसा हमारा प्रांत निर्देश करेगा हम उसके लिए चक्का जाम प्रदर्शन जो भी होगा उसे करने के लिए तैयार हैं। मांगे हैं प्राइवेट गाड़ियों का जो परमिट दे रहे हैं 25%, 75% रोडवेज को उसको खत्म करके 100% रोडवेज, 7% जो मार्ग पर चल रहा है उसके लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी होगा करेंगे अपने स्तर से। ये गोरखपुर से लखनऊ दिल्ली दे दिए हैं, और बाकी हर रोड पर देने का विचार बन रहा है उनका। हम लोग इसके विपक्ष में हम लोग धरने बैठे हैं।